गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को हम पीछे से ही टॉपिक हमारा जो है सिंथेसिस, जिसमें हम आप लोगों को पार्टिसिपल वाला जो है रूल तीन जो है दे चुके हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। आज जो है हमारा जो सेकेंड रूल है उसमें हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करके किस तरह प्रकार से हम सिंथेसिस करते हैं उसके बारे में बताएंगे। पहले हम जानेंगे कि जो हमारा इन्फिनिटिव है वह कैसे बनता है। तो हम पीछे भी बताए थे कि अगर किसी वर्ड से पहले हम टू लगा करके जोड़ देते हैं तो वह वर्ड हमारी जो है इन्फिनिटिव में बदल जाती है, यानी क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। यानी किसी वर्ड से पहले अगर हम टू जोड़ दे रहे हैं तो वह वर्ड हमारी जो है इन्फिनिटिव में बदल जाती है। हिंदी में यदि इसका हम अर्थ निकालें तो क्रिया के अंत में ने ना नी ने आता है। अब हम इन्फिनिटिव के द्वारा कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं इसके बारे में बताएंगे। हमें पता है पहले से ही कि सेंटेंसेस करते समय हमें जो है दो सिंपल सेंटेंस या तीन भी सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं, तो उसमें जो है जोड़ते समय यह ध्यान देना है कि किसी एक वाक्य के वर्ब को हम उसी रूप में रहने देते हैं और दूसरे वाक्य के वर्ब में जिसमें उद्देश्य या फल दिखाया जा रहा है उसी क्रिया को हम जो है इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है यह सेंटेंसेस होता है। जैसे एग्जांपल में आप लोगों को हम बता रहे हैं, पहला हमारा एग्जाम्पल है ही टूक ए नाइफ, फुल स्टॉप। दूसरा हमारा वाक्य है ही वांटेड टू किल ए हेन। अब यहां हम देख रहे हैं कि ही टूक ए नाइफ माने वह एक चाकू लिया, माने वह मुर्गी को मारना चाहता, तो उद्देश्य या फल जो है चाकू लेने का जो है इस वाक्य में दिखाई दे रहा है। तो हम इस वाक्य के वर्ब को जो है इन्फिनिटिव में बदल देंगे। यहाँ लिखेंगे सेंटेंसेस हम जोड़ेंगे ही टू ए नाइन टू किल ए है, इस तरह से हमारा जो है यह सेंटेंसेस हो जाएगा। और एक एग्जांपल देख लीजिए, ही वांट्स टू स्टडी पुलिस स्टाफ। दूसरा हमारा वाक्य है ही है रिलेटेड होमवर्क दे रहा है आपको, इसको जो है रिवाइज करिएगा।
अब इसी पर रिलेटेड आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है रिवाइज करिए, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए।